तो स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अमाइंस। गाइस हमने बेसिस ऑफ अमाइंस सीखा था और बेसिस ऑफ अमाइंस में हमने सिर्फ इफेक्ट देखा था, सिर्फ एस डॉट आई डॉट बी। तो सिर्फ इफेक्ट था स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यानी जब भी किसी भी एनिलीन के पाते नहीं हैं, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो इस ऑर्थो पोजीशन के सब्स्टिट्यूएंट के कारण यहां पे स्टेरिक क्लाउडिंग बढ़ जाती है, और स्टेरिक क्लाउडिंग बढ़ने के कारण ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो ऐसे फंस जाते हैं, यानी वो H+ को धर नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। इसका मतलब उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, बट अमाइंस में या एनिलीन में, बेसिकली एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट डिक्रीजेस, बोलो कब का, बेसिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है, ऐसा है। और सपोज यहां पे ऐसा है ठीक है, ऐसा है और ऐसा है, यहां पे नहीं, ओ बात ही नहीं। और बेस ट्यूब में बहुत सारे शैतान बच्ची भी आ गए, तो मस्ती नहीं करने दूंगा, पहले से बोल रहा हूं। तो व्हाट विल बी, देखो 1 2 3 4 में सिर्फ इफेक्ट लग रहा है, लेकिन 5 में सिर्फ इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो सबसे ज्यादा सिक्स फिफ्थ होगा। जस्ट लाइक ऑर्थो वाला था ना, यहाँ पे कम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। बात समझ में, एग्जाम्पल समझ में आपको, ठीक है। दूसरी बात, ठीक ये बात समझ में आपको, दूसरी बात ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इफेक्ट ओनली वर्क्स फॉर एनिलीन, नॉट फॉर अदर कंपाउंड्स। सपोज देखिए, पहले मुझे बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, थोड़ा सा सुबह रखें। और ये हम लोग किस में, कौन से फेज में बात कर रहे हैं, गैसेस फेज, याद रखना, याद रखना, गैसेस फेज की बात चल रही है। अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, गैसेस फेज में क्या रहेगा ऑर्डर, 4 3 2 1 समझ आ रहा है, इन गैसेस फेज, एक्वस फेज में तो बाद में होगा। अभी देखना, दिस इज प्राइमरी अमाइन बिकॉज नाइट्रोजन को एक अराइल ग्रुप चिपका हुआ है, नाइट्रोजन को एक ग्रुप चिपका हुआ है ना, नाइट्रोजन के ग्रुप प्राइमरी, दो ग्रुप सेकेंडरी, तीन ग्रुप टर्शियरी, दिस इज प्राइमरी अमाइन, द एनिलीन इज योर प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, एनिलीन आपका बोलो क्या है, प्राइमरी अमाइन, तो बेसिकली एनिलीन या प्राइमरी अमाइन पे सिर्फ इफेक्ट काम करेगा, वो भी कहां पे, बोलो आपका एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाले कंपाउंड, कौन से इसमें, बेंजीन वाले कंपाउंड में। लेकिन अभी देखना, अगर ऐसा है इन दोनों में हमको कंपेयर करना है, तो कौन ज्यादा बेसिक है, समझे बात, फर्स्ट इज मोर बेसिक, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन तो डीलोकलाइजेशन में बिजी हो गए, यहां पे भी डीलोकलाइजेशन में बिजी हो गए, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दो मिथाइल ग्रुप पे ना, इसलिए फर्स्ट इज मोर बेसिक। बात समझ में, डीलोकलाइजेशन में बिजी हो गए, यहां पे भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स डीलोकलाइजेशन में बिजी हो गए, बट दिस मिथाइल ग्रुप्स आर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट्स बेसिसिटी इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। अभी देखना एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल बनता है, याद रखना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नीट करिकुलम। जी वालों का कुछ क्या है, तो ये वालों में तो कुछ भी पूछते हैं, कुछ काम देते हैं। Which will be more basic? First, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे ना, और यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे S dot I dot P इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि देखो इनमें और इनमें रिपल्शन होगा,
रिवर्स रोटेशन नाइनटी डिग्री से घूम जाएगा, एक बाहर आएगा और एक अंदर जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग ऐसी है, नाइट्रोजन ये इधर और ये किधर ना, और ये घूमने के लिए रेडी हो जाएगा। तो याद रखना इस कंपाउंड में आपका क्या नहीं लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इसमें लगता है, इसे दोनों को बेसिक रहेगा ये बात सब मैं। और एक एग्जांपल लेते रुको, और एग्जांपल लेते हम लोग, कौन सा ज्यादा बेसिक रहेगा, पास आउट में लिखो, चलो और एक एग्जांपल बोलो, विजुअल भी मोर बेसिक, फर्स्ट क्या बे सी फिट काम ही नहीं करेगा, नहीं तो बोलेंगे सर सी फिट लग गया इसलिए ये ज्यादा बेसिक है ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस, पहले देख तो लो, आप बोलोगे सर सी फिट काम कर गया आप स्टेरिक हिंडरेंस का बेसिक वैसा है क्या, नहीं बात समझ में आई क्या, एक नोट लिख देना, सी फिट ओनली वर्क्स फॉर और बोल क्या आपका एनीलिन, एनीलिन बेसिक सीटी ऑफ अमाइन समझ में आया, सिर्फ इफेक्ट ओनली वर्क्स फॉर एनीलिन नॉट फॉर सब्स्टिट्यूटेड एनीलिन, क्लियर हुआ कांसेप्ट, और सिर्फ इफेक्ट सब्स्टिट्यूटेड एनीलिन के काम क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ना जैसे ही इसमें रिपल्शन होगा ऐसे घूम जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक। और देखना घूमने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहे ना, भले सीपी फिट काम भी करना चाहता है लेकिन इसको ये डोमिनेट कर जाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखो, NH2 है तो यहां पे सीपी फिट लग रहा है यानी क्लाउडिंग हो रही है, तो भले यहां पे क्लाउडिंग भी हो रही है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने में इसको बोल रहे ना और दे समझ रहा है, इसके कारण इन पे सीपी फिट लगता है क्या, नहीं लगता, समझ रहा है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज